हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सभी। तो कैसी चल रही है आप लोगों की सभी की तैयारी? आई होप आप लोग सभी से अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अच्छे से अपने नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। तो जैसा आप लोग सभी जानते हो, हमने हमारा जो थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, या चैप्टर हमारे रनिंग में चल रहा है और इसके अभी तक हम 4 लेक्चर कम्प्लीट कर चुके हैं और आज का जो ये लेक्चर हमारा रहने वाला है ये है 5th लेक्चर। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे ये जो 4 चैप्टर है इनको अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। और जो लास्ट वाला जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क करने के लिए, 5 क्वेश्चंस दिए थे। साथ में ये भी कहा था कि जो इनके आंसर सबसे पहले सेंड करेगा उसका नाम भी मैं अनाउंस करूँगा। तो आप सभी ने ऐसे तो सभी ने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझे सेंड किए थे, लेकिन आप में से एक स्टूडेंट जिसने मुझे सबसे पहले सॉल्यूशन सेंड किया, उस स्टूडेंट्स का नाम है बच्चों इसी का। तो इसी का वो स्टूडेंट है जिसने सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन सेंड किया। सबसे पहले लिया जाए तो आपका जो सॉल्यूशंस है क्वेश्चंस के, उनको भी सबसे पहले सेंड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देता हूँ आपको होमवर्क, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन कौन से थे? 5 क्वेश्चन थे हमारे। एक क्वेश्चन तो ये था कि अगर अपन किसी प्लास्टिक को बेंड करते हैं तो उसके साथ क्या होगा। तो देखो बच्चों, ये डिपेंड करता है कि जो प्लास्टिक है उसका टाइप क्या है। देखो, कुछ प्लास्टिक तो ऐसे होते हैं जो इजीली बेंड हो जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन की क्या खासियत है? अगर आप पॉलीथीन को अगर उसको आप बेंड करने की कोशिश करोगे तो वो इजीली बेंड हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना करना चाहोगे उतना कर सकते हो, इवन आप उसको क्या कर सकते हो, पूरी फोल्ड कर सकते हो, आप कर सकते हैं ना अपन। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ जो दूसरे प्लास्टिक होते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें टिफ़िन की बात करें, जो टिफ़िन जिस प्लास्टिक से बना होता है, या फिर जो बकेट होती है वो जिस प्लास्टिक से बनी होती है उसकी बात करूं, या फिर जो मग वगैरह होते हैं वो जिनसे बने होते हैं, तो अगर आप उनको अगर बेंड करने की कोशिश करोगे, जैसे अगर मैं कोई सीट लेता हूं, प्लास्टिक की कोई सीट ले ली मैंने, अगर इस सीट को अगर मैं क्या करता हूं, इसके दोनों एंड से, दोनों एंड यानी कि ये वाला एंड और ये वाला एंड, इस दोनों एंड से इनको पकड़ के अगर मैं इनको नीचे की ओर मूव करने की कोशिश करता हूं, बेंड करने की कोशिश करता हूं, तो उस केस में क्या होगा कि ये कुछ तो बेंड हो जाएगी। जैसे कि इतनी तो बेंड हो गई, माना इसने क्या किया, इतनी अपन ने बेंड कर ली, तो क्या ओवर कर पाएंगे क्या इसको अपन? नहीं बच्चों, ये क्या करेगा, अगर जो प्लास्टिक है ये सीट, ये एक लिमिट तक बेंड हो पाएगा। अगर इसको आप अगर इसकी लिमिट से भी ज़्यादा अगर इसको और बेंड करने की कोशिश की आपने, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्लास्टिक है हमारा यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो बच्चों, किसी भी प्लास्टिक को बेंड करने पे क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का प्लास्टिक है, ठीक है। आप में से काफ़ी ने बेंड किया था, बेंड आपका आंसर था, तो ठीक है, बेंड हो सकता है, बट वो डिपेंड करेगा कि कौन से टाइप का। कुछ प्लास्टिक तो ऐसे होते हैं बेंड ही नहीं हो गए और सीधे क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे अगर आपने कोशिश की, ठीक है। तो ये हो गया आपके। इसके अलावा वन मोर क्वेश्चन था, वो था हमारा बच्चों PVC कि PVC की फुल फॉर्म क्या होती है। PVC की फुल फॉर्म क्या होती है, आपने सर्च किया होगा और बताया भी होगा, तो पी की मैं पहले बता चुका हूँ, वो होती है पॉलीवाइनिल क्लोराइड। बताया था ना आपको, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस और दिए थे मैंने आपको करने के लिए, वो आपके बुक के थे, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने थे। तो कौन कौन से क्वेश्चंस थे, एक तो क्वेश्चन था आपके पास में ये रहे, तो क्वेश्चन ये था एक तो कि जो सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कोल्ड, इनको और किस नाम से जाना जाता है। एक तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर भी बोलते हैं ना, आर्टिफिशियल फाइबर, और एक और नाम से जाना जाता है, ये कौन सा है, मैन मेड भी बोलते हैं इसको, मैन मेड फाइबर भी इनको बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या था बच्चों, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज फ्रॉम रॉ मटेरियल आर कोल्ड। तो ये जो सिंथेसिस फाइबर होते हैं कौन से रॉ मटेरियल से बनते हैं, इसका भी मैंने आपको आंसर करवाया था, और वो आंसर क्या है, पेट्रोकेमिकल, है ना, पेट्रोकेमिकल आंसर था। अच्छा, पेट्रोकेमिकल किससे बनता है, पेट्रोलियम से। किससे बनता है बच्चों, पेट्रोलियम से, ठीक है। अब इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो ए, प्लास्टिक भी क्या है, एक टाइप का क्या है, जैसा सिंथेटिक फाइबर होता है, प्लास्टिक भी बच्चों एक टाइप का होता है, पॉलीमर किसको बोलते हैं, भी बताया था मैंने आपको, मैनी यूनिट, व्हेन वी कंबाइन टू और मोर देन टू यूनिट, जब अपन दो या दो से ज़्यादा यूनिट को अगर अपन उसको कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो क्या कहलाता है, पॉलीमर कहलाता है।
तो ये हमने डिस्कस कर चुका था हम पहले से ही। अब आज हमको आगे कंटिन्यू करना है। तो लास्ट में हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ रहे थे, है ना। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने टू प्लास्टिक डिस्कस कर लिया था। एक तो थर्मो प्लास्टिक भी हमने डिस्कस किया था, थर्मो सेटिंग भी डिस्कस किया था, और इसके एग्जाम्पल भी बच्चों हम डिस्कस कर चुके थे। बट यहाँ पर मैंने लास्ट में वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ था हमारे लिए कि ये जो प्लास्टिक होते हैं, कि कुछ प्लास्टिक तो ऐसे होते हैं कि जल्दी से उनको, मतलब उनसे क्या किया जाता है, उसको अगेन उसको हीट करके उसका शेप चेंज नहीं कर सकते अपन। जैसे कि कौन से थे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थी ना। खासियत यही थी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कि आप थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को अगर एक बार उसको मोल्ड कर देते हो, एक बार उसको शेप दे देते हो उसको हीट करके, तो अगेन उसको आप नहीं कर पाओगे, सेकेंड बार नहीं कर पाओगे आप। कैसे, जैसे कुकर का हैंडल वगैरह होता है। इसके एग्जाम्पल भी बताए थे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के टू एग्जाम्पल थे, वेरी इंपॉर्टेंट, बेकेलाइट एंड मेलामाइन। तो यहाँ तक तो बच्चों हम पढ़ चुके थे, इसके बाद से आज हमको स्टार्ट करना है। तो स्टार्ट करें हम, तो चलिए आज का जो हमारा लेक्चर है इसको हम बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब इसके अंदर ही आपको बताया जाता है कि जो बेकेलाइट आप कह रहे हो थर्मोसेटिंग का टाइप है, तो ये जो बेकेलाइट होता है बच्चों, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। न्यू टर्म आ गई, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले ये जान लेते हैं कि पुअर कंडक्टर क्या होता है। पुअर कंडक्टर से पहले भी हम ये देख लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो बस चलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर। नहीं, मैं उस कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे कंडक्टर की बात कर रहा हूँ जो क्या होती है, एक टाइप का मटेरियल होता है जो क्या करता है, एक प्रॉपर्टी रखता है। प्रॉपर्टी किसकी बच्चों, कि उसके अंदर से कुछ फ्लो हो सकता है या नहीं हो सकता है। फ्लो से क्या मतलब, कि उसके अंदर अगर मैं बात करूँ हीट की, क्या उसके अंदर हीट फ्लो कर सकती है क्या। जैसे अगर मैं कोई मेटल लूँ, जैसे कि कोई मेटल लेता हूँ, आयरन ले लिया या स्टील ले लिया, अगर आप उस आयरन को अगर हीट करते हो, अगर इसका आप क्या करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो। अगर मैं क्या करूँ, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँ वन साइड, तो कुछ देर बाद क्या होगा, पहले यहाँ पर वार्म होगा, गर्म होगा, फिर धीरे 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 इधर भी गर्म होगा, फिर आप इधर से अगर पकड़ोगे तो ये भी आपको वार्म लगेगा, गर्म लगेगा। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो आपने इस एंड पे जो इसको हीट दी, वो हीट यहाँ से फ्लो होती हुई दूसरे एंड पे आ गई ना। तो जब कभी भी ऐसे किसी भी मेटल में से, किसी भी मेटल में से अगर कोई भी हीट अगर ऐसे फ्लो करती है, हीट अगर ऐसे फ्लो करती है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों कंडक्टर ऑफ हीट। क्या बोलते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। अगर उसमें से बहुत अच्छे से हीट फ्लो करती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कंडक्टर से मीनिंग क्या है, कि वहाँ पे हीट का फ्लो करना उस मेटल में से। बट अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रिसिटी की, बात करें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगा कि अगर कोई एक वायर है, कॉपर वायर, तो कॉपर वायर में से करंट फ्लो करता है क्या, करता है ना। तभी तो आपके जो घरों के अंदर जो वायरिंग की जाती है उसके लिए कौन सा मेटल यूज़ किया जाता है, कॉपर मेटल यूज़ किया जाता है। तो इस कॉपर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो फ्लो होती है, तभी तो करंट कहाँ से आपके बाहर मीटर बोर्ड से लेकर आपके घरों के अंदर तक पहुँच पाता है, कमरों के अंदर पहुँच पाता है, रूम में। तो वो जो करंट आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है, कॉपर वायर के थ्रू आ रहा है। तो क्या कॉपर में से, वायर में से क्या करंट फ्लो कर रहा है क्या, अरे करंट फ्लो कर रहा है, तभी तो वो वन एंड से सेकेंड एंड तक पहुँच पा रहा है। तो अगर करंट फ्लो कर पाता है किसी भी मेटल में से, तो ध्यान रखना बच्चों उसको हम बोलेंगे कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेंगे इसको, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या नीचे लिख देता हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी। अगर हीट फ्लो कर पा रही है तो अपन कह लेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और अगर करंट फ्लो कर पा रहा है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो तब हम इसको कहेंगे जब इसके अंदर क्या होगी, फ्लो करेगी। बट अगर इसमें से फ्लो नहीं करती है, नॉट फ्लो, अगर इसमें से ना, इसमें से क्या हो, ना तो इसके अंदर से हीट फ्लो करे और ना ही इसमें से क्या फ्लो करे, करंट। यानी कि हीट भी फ्लो नहीं कर रहा है और करंट भी फ्लो नहीं कर रहा है। अगर किसी में से अगर ये दोनों चीज़ें फ्लो नहीं करती है ना बच्चों, तो उसको हम कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहोगे आप, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ध्यान रह जाएगा, बेड कंडक्टर से मतलब है जिसमें से हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी दोनों फ्लो नहीं कर सके, उसको हम क्या बोलेंगे, बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी हम ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं बच्चों प्लास्टिक की। तो इन्होंने क्या बोला, प्लास्टिक के लिए भी यही टर्म यूज़ की इन्होंने क्या बोला कि जो प्लास्टिक का एक टाइप है, कौन सा, बेकेलाइट, इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
इट मीन्स क्या होगा कि इसमें से ना तो हीट फ्लो कर पाएगी और ना ही इसमें से करंट फ्लो कर पाएगा। तो इसका एडवांटेज क्या हुआ, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं बच्चों कि हम किन को बनाने में यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने में यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल स्विच में आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिकल स्विच होते हैं आपके घरों के अंदर भी जो स्विच लगे होते हैं, जहाँ पे आप चार्जर लगाते हो, कोई भी चार्जर लगाते हो, तो वो जो स्विच होता है स्विच है, तो उस स्विच को जब आप देखोगे ध्यान से तो वो किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों, प्लास्टिक। अच्छा प्लास्टिक में भी पूछ ले कि प्लास्टिक में भी कौन से टाइप के प्लास्टिक से बना होता है, तो वो बना होता है बच्चों बेकेलाइट से। किससे बना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, बेकेलाइट से। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि बेकेलाइट से क्यों बनाते हैं, क्योंकि यह होता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ताकि जब आप उसको देखो, उसको आप टच करो तो आपको कोई करंट नहीं आए, इसलिए अपन क्या करते हैं उसके अंदर अब बेकेलाइट यूज़ करते हैं, क्योंकि बेकेलाइट यूज़ किया तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और आपको कोई करंट, कोई शो, कोई झटका वगैरह आपको नहीं लगेगा। अगर सोचो अगर इस प्लास्टिक में से जो भी आपके स्विच होकर, जैसे यहाँ पर देखो बना हुआ डायग्राम बना हुआ ना, अगर इमेजिन करो कि अगर ये जो प्लास्टिक अगर इसमें से करंट फ्लो करता तो क्या होता, क्या होता बताओ इसको। तो जैसे आप इसको टच करने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ में क्या होता है, आपके सारे बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसा झटका लगता, शॉक लगता आपको खतरनाक, कि आपको बस वहीं पे आप चिपक जाते उसके, ठीक है ना। तो ये हालत हो जाती है। तो पर अपन चाहेंगे थोड़ी, अपन थोड़ी चाहेंगे भी अपन स्विच के हाथ लगाए अपन करंट आ जाए अपन मर जाए, नहीं चाहेंगे ना। तो आपके जो भी साइंटिस्ट वगैरह जिन्होंने पहले डिस्कवरी की, उन्होंने सारा खोज निकाल के पूरी स्टडी करके इसी मटेरियल को यूज़ किया ताकि हम इसको टच करें तो हमको कोई करंट नहीं आए। अब इसके बाद में बच्चों, क्या बेकेलाइट का अपन केवल इसी में यूज़ करते हैं क्या, और जगह यूज़ नहीं करते हैं? यस बच्चों, और भी यूज़ करते हैं अपन, और इसका यूज़ किया जाता है बच्चों कि हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसियल, हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसियल यानी क्या मतलब, आपने देखा होगा जैसे ये रहा अपना प्यारा सा कुकर, कुकर में ऐसे कुकर नहीं है खैर, ये आपके डेगचे वगैरह आते हैं ना, यूटेंसिल बर्तन वगैरह, तो इसका देखो आप, देखो हैंडल, देखो कुकर का भी ऐसे ही होता है हैंडल। तो ये जो कुकर का जो ब्लैक कलर का जो आपको हैंडल दिखाई दे रहा ना, ये किसका बना होता है, प्लास्टिक का बना होता है। अच्छा किसका बना होता है, प्लास्टिक। प्लास्टिक का ये क्यों बनाते हैं, ये इसलिए बनाते हैं कि अगर ये प्लास्टिक का नहीं बना हुआ, अगर ये मेटल का बना हुआ हुआ तो क्या होगा, अगर आप जैसे इसको मैं पूरा बना देता हूँ, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, कोई दूसरा बर्तन लेता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये मैंने लिया कोई एक बर्तन लिया, ठीक है, ये बर्तन, और इसका जो वन एंड है, अरे यार मिट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस बना देते हैं, ये कुकर हो गया हमारा, और इस कुकर का हमने क्या किया, इसका जो वन एंड है, ये वन एंड, इसको हमने किससे बनाया, प्लास्टिक से, ठीक है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, नीचे लगा देता हूँ स्टोव वगैरह लगा देता हूँ, और नीचे से मैं करता हूँ फायरिंग करता हूँ, आग लगाता हूँ, इसको गर्म करता हूँ, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपकी पतीली होगी ये भी क्या होगी, गर्म होगी, गर्म होगी ना। अगर ये यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लास्टिक है, सपोज़ करो ये प्लास्टिक नहीं होता, ये भी मेटल का बना होता, तो ये भी गर्म होता, ये भी गर्म, क्योंकि इसमें से क्या फ्लो करता, हीट फ्लो करती है, और हीट टेढ़ आपके यहाँ पर हैंडल तक पहुँच जाती है, और फिर जैसे अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करते तो क्या होते, आप पकड़ ही नहीं पाते, क्यों, क्योंकि इतना गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता तो फिर आप पकड़ नहीं पाते हैं, और उस वजह से फिर, और आप क्या चाहते हो, अगर यहाँ पे अगर इसको हटाना तो फिर अपन कैसे उठाएंगे, तो इसको पकड़ना ज़रूरी है, और पकड़े भी अपन ऐसे कि भी अपन को गर्म ही ना लगे, अपने हाथ जले नहीं, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ किया। प्लास्टिक इसलिए यूज़ किया क्योंकि प्लास्टिक होता है बच्चों पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि इसमें से हीट फ्लो नहीं करती है और यहाँ पर कोई गर्माश नहीं होती है, कोई गर्म वगैरह भी नहीं होता। अच्छा ये गर्म होकर पिघल जाना चाहिए, अपन मान लो कि किसी चीज़ को अपन गर्म करेंगे प्लास्टिक को तो पिघल जाएगी, तो ये क्यों नहीं पिघलता है, ये इसलिए नहीं पिघलता है क्योंकि ये जो टाइप है बच्चों, ये जिस टाइप का यूज़ किया जाता है कुकर हैंडल को बनाने के लिए, जिस टाइप का प्लास्टिक यूज़ किया जाता है, उस प्लास्टिक का नाम है बच्चों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की क्या खासियत होती है कि अगर एक बार अगर आपने उसको गर्म करके उसका शेप दे दिया तो उसका शेप वैसा ही रहेगा, वो पिघलेगा नहीं, तो यही रीज़न होता है। तो आया आपको याद रखोगे, चलिए तो बेकेलाइट का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किसकी, मेलामाइन की, एक और आपको याद रखना, एक प्लास्टिक की और मैं बात कर देता हूं, मेलामाइन। मेलामाइन एक टाइप का प्लास्टिक है जिसका यूज़ किया जाता है
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिख रखा है कि मेलामाइन, मेलामाइन इज ए वर्सेटाइल मेटल, इट रजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक। तो मेलामाइन की क्या खासियत होती है बच्चों? मेलामाइन की खासियत ये होती है कि ये क्या करता है, हीट को टॉलरेट कर पाता है। यानी अगर कोई कोई गर्म चीज़ है तो मतलब जल्दी से वो क्या करेगा, फायर नहीं करेगा, फायर रेजिस्टेंट होता है। क्या होता है? फायर रेजिस्टेंट, यानी ये जल नहीं पाएगा। तो अगर कौन? मेलामाइन, याद रखना नाम मेलामाइन। तो जो मेलामाइन होता है ना बच्चों, ये क्या होता है, फायर रेजिस्टेंट होता है। यानी कि इससे फायर रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इससे आप जलाने की कोशिश करोगे तो भी जलेगा नहीं, आग नहीं लगेगी इसके अंदर। तो इसका यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इसका यूज़ किया जाता है बच्चों फ्लोर टाइल्स में, जो फ्लोर बनाए जाते हैं ना नीचे आपके आंगन के, उन फ्लोर के किससे बनाए जाते हैं? इस मेलामाइन के बनाए जाते हैं। तो इस मेलामाइन का नाम याद रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेलामाइन का यूज़ कहाँ किया जाता है कि फ्लोर टाइल्स वगैरह बनाने में किया जाता है, किचन वेयर, किचन के बर्तन बनाने में किया जाता है। और क्यों किया जाता है? क्योंकि रजिस्ट फायर, रजिस्ट फायर का मतलब कि आग न लगना, आग नहीं लगने देता, इसलिए इसका मेलामाइन का यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखोगे आप लोग। चलिए बच्चों, इसके बाद में हम आगे देखते हैं। अब इसके बाद में बच्चों हमारा न्यू टॉपिक आता है, प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। क्या लगता है प्लास्टिक हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहीं यूज़ करते हैं क्या अपन? मैं कहता हूँ कि कहाँ यूज़ नहीं करते, अधिकांशतः हम प्लास्टिक ही यूज़ कर रहे होते हैं। कैसे? चाहे फिर आप बात करो, अगर आपको फूड स्टोर करना है, कोई फूड आइटम स्टोर करना है, तो भी उसको अपन किस में यूज़ करते हैं? प्लास्टिक में यूज़ करते हैं। कोई वाटर अगर अपन को स्टोर करना है तो वो भी अपन किस में करते हैं? प्लास्टिक में करते हैं। आप कहोगे कैसे, हम तो मटकी यूज़ करते हैं सर। अरे घर पर तो मटकी यूज़ करते हो, लेकिन जो ऊपर टंकी है आपकी वो किसकी बनी हुई है? प्लास्टिक की तो बनी हुई है, उसमें तो आप क्या यूज़ करते हो, आप पानी ही यूज़ करते हो उसके अंदर, उसमें स्टोर करते हो ना। तो वो किसकी बनी होती है? वो प्लास्टिक की बनी होती है। मिल्क, मिल्क वगैरह भी प्लास्टिक में, प्लास्टिक की बोतलों में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर जो बेबी होता है उसको जो मिल्क वगैरह पिलाया जाता है, उसको छोटा जो बेबी होता है उसको किससे पिलाते हैं? प्लास्टिक की बोतल होती है वो। या फिर अगर आप देखते होंगे जो पाउच वगैरह आते हैं दूध के, मिल्क के जो पाउच आते हैं सिटी के अंदर मिलते हैं, वो भी किसके होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। पिकल्स, अचार वगैरह जिनको रखा जाता है प्लास्टिक की बोतल में भी रखा जाता है ना, प्लास्टिक के बर्तनों में रखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, प्लास्टिक के अंदर ही क्यों रखते हैं, क्या कारण इसके? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है, बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, खासियत होती है इसकी। क्या? तो एक तो ये क्या होता है बच्चों, लाइट वेट होता है। क्या होता है? लाइट वेट। पहली प्रॉपर्टी थी लाइट वेट होता है, हल्का होता है। आप गए मार्केट में, गए है ना, मार्केट में गए, आपको लेनी है भाई साहब 500 ग्राम आपको क्या लेनी है, सब्जी लेनी, वेजिटेबल्स लेनी, 500 ग्राम है ना, 500 या आधा किलो है ना, हाफ के जी, इसका मतलब है हाफ के जी। अगर हाफ के जी आपको क्या लेने, फ्रूट्स लेने, वेजिटेबल्स लेने, तो आपने ले लिए। अब आपको लेने के लिए ऐसा तो है नहीं कि आप अपने हाथ के अंदर लेकर चले जाओगे, हाथ में लेकर तो जाओगे नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए आपको, कोई चाहिए आपको बर्तन अगर चाहिए, या फिर कोई आपको कैरी बैग चाहिए जिसके अंदर आप ले जा सकते हो। तो सपोज़ करो, अब अगर वो जो भी आप यूज़ करते हो इनको लेने के लिए, अगर आप यूज़ करते हो कोई मेटल यूज़ करते हो, कोई मेटल का बर्तन यूज़ करते हो आप, यूटेंसिल यूज़ करते हो, तो एक तो पहले से मेटल का वज़न है 500 ग्राम, ऊपर से 500 ग्राम, तो आपके तो मतलब इनका वेट बराबर हो गया, और क्या होगा, और हैवी हो जाएगा आपके लिए। तो आप क्या चाहोगे कि आप ऐसी चीज़ लेना चाहोगे जो क्या हो, थोड़ी हल्की हो, लाइट हो, वज़न में आसानी से उठ सके, है ना। और जाओ बाज़ार में जाओ तो आप अपनी जेब के अंदर डाल के ले जा सको। अगर आपको मेटल की अगर कोई केटल वगैरह आपको पकड़ा दे, केतली वगैरह आपको पकड़ा दे, तो क्या आप उसको जेब के अंदर डाल लोगे, क्या फोल्ड कर लोगे, क्या नहीं कर पाओगे? तो ऐसे में आपके लिए आसान होता है किसी पॉलीथीन को यूज़ कर पाना, ठीक है, कोई पॉलीथीन या फिर कोई प्लास्टिक जो बना होते हैं ना जिससे, उनको यूज़ कर पाना आसान होता है, क्योंकि वो लाइट भी होते हैं, हल्के होते हैं, और क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इजीली नहीं फटते हैं वो, और इसके अलावा क्या होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल यानी कि लंबे समय तक चलते हैं, आप एक ही प्लास्टिक को काफ़ी टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। तो ये इसके पीछे रीज़न होते हैं बच्चों। तो ये तो हमने क्या पढ़ा बच्चों, ये तो ऊपर ऊपर से पढ़ा हमने कि भी प्लास्टिक की क्या प्रॉपर्टी थी, क्या खासियत होती है जिसकी वजह से हम इसको इतना यूज़ करते हैं। तो इसके कुछ ये प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, जैसे लाइट वेट होता है, लोअर प्राइस होती है, प्राइस बहुत कम होती है, बहुत कम होती है ना। अगर आप जाओ दुकान पे जाओ और उससे कहो कि भाई साहब मुझे हाफ के जी से ये दे दो, वेजिटेबल दे दो, लेकिन मुझे देना आप कोई मेटल के बर्तन में देना,
स्टील के बर्तन में देना देगा, वो आपको देगा कि स्टील के नहीं देगा, ऊपर से 50 रुपये और ले लेगा आपके। क्यों? क्योंकि भाई जो मेटल होता है वो क्या होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है, उसकी जो कॉस्ट होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, बजाय कि इनके पॉलीथीन के। तो पॉलीथीन की क्या होगी, इसकी प्राइस भी कम होगी, लोअर प्राइस हो गया, वेट भी कम हो गया, और इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, गुड स्ट्रेंथ होती है, और इजी हैंडलिंग, आसानी से अपन क्या करते हैं उसको पकड़ पाते हैं। ठीक है, तो यही बच्चों का रीज़न होता है कि हम क्या करते हैं प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, जो कार्स वगैरह होते हैं, एयरक्राफ्ट यानी हवा में उड़ने वाले, स्पेस क्राफ्ट जो स्पेस में रहने वाले, जैसे कि आपके सेटेलाइट वगैरह हो गए, तो इनको भी जो सेंड किए जाते हैं, ये भी जाते हैं किसके बने होते हैं, प्लास्टिक वगैरह मटेरियल इनके अंदर यूज़ किया जाता है काफ़ी। और इसके अलावा फर्नीचर की बात करें, स्लीपर की बात, फ्रिज फर्नीचर, चेयर वगैरह हो गई, टेबल वगैरह हो गई, आजकल ये किसके बनने लगे, प्लास्टिक की ज़्यादा बनी हुई होती है, प्लास्टिक का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा स्लीपर हो गया, फर्नीचर हो गया, डेकोरेशन हो गया, डेकोरेशन पीसेज वगैरह, उनके अंदर घर में सजावटी चीज़ें होती है ना, लकड़ी है, इसकी प्लास्टिक की सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। देखना आपके घरों के अंदर जो ताके होती है ना, उसके अंदर आप देखना कि उसके अंदर जो प्लास्टिक के आइटम कितने रख रखे हैं आपने सजाने के लिए, मकान को, घर को सजाने के लिए, कमरे को, तो उसमें आपको अधिकांश तक किसके मिलेंगे, प्लास्टिक के बने हुए मिलेंगे। ठीक, क्योंकि वो चीप होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रेंथ अच्छी होती है उनकी, और लो कॉस्ट भी होते हैं, तो ये उनकी खासियत होती है। तो बच्चों, ये तो हमने इसकी देख लिया था कि इसकी कौन कौन सी खासियत होती है, जिसके जो प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से हमको प्लास्टिक हमको हम यूज़ करते हैं, हमने डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। अगर वही बच्चों अगर बात करें कि इसकी कौन कौन सी मेन ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन सी इसकी मेन करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से प्लास्टिक बहुत ही यूज़फुल होता है, जाना जाता है अपने काम के लिए, तो वो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। पहली प्रॉपर्टी क्या, प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव मतलब क्या होता है कि रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ में। ऐसा नहीं है कि आपने प्लास्टिक के अंदर कुछ पानी डाला और प्लास्टिक का कुछ और ही बन गया हो। कभी ऐसा होता है क्या, प्लास्टिक बॉटल में आप पानी डालते हो तो वो प्लास्टिक वैसे ही रहता है ना, या फिर क्या होता है बिल्कुल आपके अलग ही कलर ही चेंज हो जाता है, बिल्कुल ख़राब हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि जो प्लास्टिक होता है ये नॉन रिएक्टिव होता है। अब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर मैं बात करूँ आयरन की, किसकी बात करते हो, यहाँ पर लाइन लिख रही है, आयरन गेट रस्टेड व्हेन लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर। तो जो जो आयरन होता है ना, अगर आप आयरन को, आयरन यानी कि लोहा, अगर आप लोहे को, किसी भी लोहे को क्या करते हो, मैं रख देता हूँ जैसे आयरन की कोई रोड वगैरह, अगर इस रोड को अगर मैं खुले में अगर कहीं पर रख देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसके एनवायरनमेंट में जो भी मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी कि नमी, वाटर वेपर, कितनी वाटर वेपर प्रजेंट है इसके एनवायरनमेंट में, उस वाटर वेपर के साथ में ये रिएक्ट करके क्या कर लेगा, अपने ऊपर रस्टिंग कर लेगा, जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी बच्चों, जंग। तो आयरन क्या कर जाता है, एयर और वाटर वेपर यानी मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट कर जाता है और उस पर जंग लग जाती है। तो मेटल तो क्या होता है, रिएक्टिव होता है ना, जो मेटल होता है जैसे आयरन होता है, आयरन क्या होता है, रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्ट कर जाता है ये। लेकिन प्लास्टिक के साथ में ऐसा नहीं होता, प्लास्टिक जल्दी से रिएक्ट नहीं कर पाता, तभी हम जो अचार होता है, जो ऑयल वगैरह होते हैं, जो वाटर होता है, ये सारा हम किसके अंदर रखते हैं, हम प्लास्टिक में रखते हैं, प्लास्टिक की बोतल में रखते हैं। ठीक है, लोहे के में क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि वो उसके साथ में रिएक्ट कर जाता है और वो उसको ख़राब कर सकता है आपके प्रोडक्ट को। ठीक है, और ऐसे जो आपके आप जो टिफ़िन वगैरह यूज़ करते हो उसमें भी देखना, जो प्लास्टिक के ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, आयरन के यूज़ नहीं करते हैं, स्टील के यूज़ कर लेते हैं, आयरन के यूज़ नहीं करते हैं, और स्टील से भी ज़्यादा यूज़फुल प्लास्टिक माना जाता है, क्योंकि प्लास्टिक लाइट वेट रहता है और आसानी से उसको अपन कैरी कर सकते हैं, बजाय कि स्टील को, स्टील भी थोड़ा हैवी होता है, वेट होता है उसका ज़्यादा, इसलिए अपन प्लास्टिक यूज़ करते हैं। और आपका बताना, देखो बच्चों, आप मुझे कमेंट करके बताना या यूट्यूब में वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि जो आपका जो टिफ़िन यूज़ करते हो, आपका वो कौन से मेटल से बना, किससे बना हुआ, क्या वो प्लास्टिक का बना हुआ है या फिर आपका स्टील का बना हुआ, जो आप स्कूल में लेकर जाते हो ना, उसके बारे में बताना मुझे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करता किसी भी चीज़ के साथ में, तो इसलिए भी हम इसका यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा बच्चों, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि प्लास्टिक इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलता है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा जो प्लास्टिक होता है, पुअर कंडक्टर होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पुअर कंडक्टर किसका, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का। तो ये तीन प्रॉपर्टी है जो बच्चों आपको नोट करनी है, आपको याद रखनी है। तो अब आपको कॉपी में क्या क्या करना है, एक तो आपको ये लिखना है कि जो अपन यूज़ करते हैं बेके लाइट का, किसके अंदर किस किस के अंदर यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विच के अंदर, हैंडल्स के अंदर यूज़ करते हैं किसका, बेके लाइट, यहाँ से लिख लेना।
बेकेलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ यूज टू मेक फॉर मेकिंग, ये यहाँ तक जहाँ तक मैं अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद में आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे, हेडिंग डालनी है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, ये वाली है ना, ये प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। तो इसके अंदर आपको क्या क्या लिखना है, एक तो ये लिखना है पॉइंट, पॉइंट बना के लिखना, पूरा मत लिखना, एक तो ये लिख लेना प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका। सेकेंड पॉइंट ये लिख लोगे आप लोग, प्लास्टिक इज लाइट एंड स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, टू पॉइंट हो गए। और थ्री पॉइंट ये लिख लोगे आप लोग कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर, ये तीन पॉइंट लिख लेना आपको, ठीक है। तो ये बच्चों आपके लिए होमवर्क है। और इसके अलावा क्वेश्चन क्या करना है आपको, अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, देखता सबसे पहले कौन करता है। आपको ये बताना है कि जो हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, जो भी हॉस्पिटल वगैरह होते हैं ना, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट, तो हॉस्पिटल के अंदर ऐसे कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो बने होते हैं प्लास्टिक के। यानी आपको ऐसे इक्विपमेंट के नाम बताने हैं आपको, जो डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, जो नर्सेज यूज़ करती है, किसके लिए, अपने हेल्थ केयर के लिए, है ना, हेल्थ केयर के लिए कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो कि किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक, उनके नाम बताने अपन, ठीक है। यह आपको मुझे बताना है, सर्च करके बताना, देखें मालूम करके बताना, ढूंढना इसका आंसर, ठीक है। और आप कौन से क्वेश्चन का आंसर करना चाहोगे, और एक आप ये बता देना, ये रहा यहाँ पे, एक ही है ये, यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करके बताना, देखो ये वाला, ये सबके पॉलिस्टर बता रखा, टेफ्लॉन नहीं बताया, टेफ्लॉन में बताऊँगा, बाकी तीन को तो करके बताना। तो ये दो क्वेश्चन जो बच्चों आपके लिए होमवर्क है, देखते हैं सबसे पहले कौन मुझे सेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।